आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके इस्तेमाल से आप दूसरों को वो करने पर मजबूर कर सकते हो जो आप दूसरों से करवाना चाहते हो। दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि ये दुनिया उसके मुताबिक चले, अब चाहे वो एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान हो या फिर एक बुरी। लेकिन दूसरों को अपनी बातें मनवाना सभी को अच्छा लगता है। अब कुछ लोग दूसरों से अपना काम करवाने के लिए उन्हें फोर्स करते हैं, जिससे सामने वाला इंसान बिना अपनी इच्छा से उसका काम करता है। लेकिन इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप लोगों से उनकी खुशी के साथ अपना काम करवा सकते हो। इन ट्रिक्स का लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसका कोई गलत काम करवाने के लिए इस्तेमाल मत करना। शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये ट्रिक्स हमारे दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करती है जो डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन भरी दुनिया में हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने के लिए कुछ शॉर्टकट बना चुका है, और ये ट्रिक्स इन्हीं शॉर्टकट को एक्टिवेट करती हैं, जिससे हमारा दिमाग बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, इसलिए जब उनका माइंड वो डिसीजन ले रहा होता है जो आप उनसे करने के लिए बोलते हो, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो आपकी बात खुशी खुशी मान लेते हैं। ये सभी ट्रिक्स काफ़ी रिसर्च के बाद सामने निकल कर आई हैं। बहुत से लोगों पर इसका टेस्ट किया गया है और लगभग 10 में से 9 बार ये ट्रिक्स काम करती हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, गेट फेवर। आप लोगों से कहो कि वो आपकी मदद करे। अब आप बोलोगे, अगर मुझे मदद ही मांगनी है तो इसमें ट्रिक क्या है? तो इस ट्रिक को बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक ऐसे आदमी से काम था जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बेंजामिन ने जाकर उनसे सीधे एक बहुत ही रेयर बुक मांगी, तो उस इंसान ने उन्हें वो बुक दे दी। और जैसे ही बेंजामिन को बुक मिली, उन्होंने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए उस आदमी को धन्यवाद बोला। उसके बाद जो आदमी बेंजामिन से बात तक नहीं करना चाहता था, वो इंसान उनका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को टेस्ट किया और ब्रेन की स्टडी की। जब किसी ने किसी दूसरे इंसान की मदद की, तो उसके ब्रेन की वेव्स काफ़ी स्टेबल हो गई और उसे सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास के दौरान हम इंसानों का सबसे बड़ा हथियार साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना था। तो दिमाग की ये फितरत हम में करोड़ों सालों से है। जैसे ही हम किसी की मदद करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत उस ट्रिगर को ऑन कर देता है और हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, चाहे हम उस इंसान को पसंद ना भी करते हों। लेकिन एक बार मदद करने के बाद हमारे मन में उसके लिए नफरत कम हो जाती है और बहुत चांसेस है कि आप दोबारा उसकी मदद करोगे। आप खुद इस ट्रिक को किसी पर ट्राई करके देखना। मैंने इसे कई बार ट्राई किया है और इसने मेरे लिए भी काम किया है। नंबर 2, एम हाई। इस ट्रिक को द डोर इन द फेस अप्रोच भी कहते हैं। इसमें आपको सामने वाले से पहले कुछ ऐसा करने को बोलना है जो वो सीधे सीधे मना कर दे, मतलब कुछ बहुत ही बड़ा काम, और उसके बाद आपको उसे वो करने को बोलना है जो आप उससे करवाना चाहते हो, जो कि उस पहले वाले काम के मुकाबले काफ़ी छोटा काम होगा। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इंसान आपका काम खुशी खुशी कर देगा। अब ये ट्रिक लोगों के EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट पर काम करती है। जब आपने किसी से एक ऐसा काम करने को बोला जो बहुत ही बड़ा काम है, जैसे अपना पूरा असाइनमेंट करवाना या फिर अपने पूरे दिन का काम उससे करने को बोलना, तो वो उसे मना कर देगा। लेकिन फिर जब आप उसे पहले वाले के मुकाबले बहुत छोटे काम करने को बोलोगे, तो उसका EQ उसे बुरा बनने से बचाने के लिए आपका काम करने को हाँ बुलवा देगा, और उसे वो काम उतना बड़ा भी नहीं लगेगा, जैसे पूरे असाइनमेंट की जगह एक या दो डायग्राम्स बनवाना या फिर पूरे दिन के काम की जगह आपका 1 घंटे का काम करवाना, और वो उसे खुशी खुशी कर देगा। ये ट्रिक भी बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक है और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां और बिजनेसमैन इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर कर सकें। नंबर 3, नेम्स और टाइटल्स। किसी भी इंसान को उसका नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो,
तो उसके ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उसे खुशी देते हैं। किसी भी आवाज़ में अपना नाम सुनने से उस साउंड की वाइब्रेशंस आपके ब्रेन को काफ़ी सुकून पहुंचाती हैं। इसीलिए अपना नाम सुनते ही आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और चांसेस हैं कि आप उससे जो कहेंगे वो उसे मान लेगा। अब हर जगह किसी को उसके नाम से नहीं बुला सकते, तो उस वक्त उनका टाइटल काफ़ी काम आ सकता है और आप टाइटल के साथ उनका नाम भी जोड़ सकते हो। जैसे हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को आप उसके नाम से या फिर सिर्फ डॉक्टर कह के बुलाने की बजाय डॉक्टर प्लस उनका नाम भी साथ में जोड़ सकते हो, और ऐसा करने से सबकॉन्शियसली उन्हें काफ़ी खुशी मिलेगी और वो आपकी बात मान लें, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 4, मिररिंग। लोगों के बिहेवियर को कॉपी करिए। आपको जिससे भी अपना काम करवाना है उसके बिहेवियर को कॉपी करिए। अब कॉपी करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो जैसा कर रहा है आप बिल्कुल वैसा वैसा करने लगे। ऐसा करने से सामने वाला इरिटेट यानी परेशान हो जाएगा। आपको उसके बिहेवियर को नोटिस करना है, जैसे उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का और उसके काम करने का तरीका, और आपको बिल्कुल इसी तरह बिहेव करना है और फिर आपको उससे अपना काम करने को बोलना है। हम इंसानों को हमारे जैसे इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो जो आपके जैसे होते हैं। आप उन्हीं से दोस्ती करोगे जो आपके जैसे सोचते हैं, आपके जैसे बात करते हैं और आपके जैसे बिहेव करते हैं। और ये हम जानबूझकर नहीं करते, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि हम इंसान जब विकसित हो रहे थे उस वक्त जानवरों में और हम इंसानों में ज़्यादा फर्क नहीं था, और बिहेवियर पैटर्न और फिजिकल अपीयरेंस से हम इंसान एक दूसरे को पहचानते थे। तभी से हमारे दिमाग ने इसे एक ट्रिगर की तरह बना दिया है कि जब भी उसे कोई अपने जैसा दिखता है वो उसे सबकॉन्शियसली पसंद करने लगता है। और जब आप ऐसे इंसान से कुछ काम करने को बोलोगे तो चांसेस हैं कि वो आपका काम करने के लिए मना नहीं करेगा। नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करो यानी उनकी तारीफ करो। हमें ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, और मज़े की बात तो ये है कि अगर सामने वाले को पता हो कि उसकी झूठी तारीफ की जा रही है तब भी आप उसे पसंद आओगे, तो सोचो अगर आप उसकी सच में तारीफ करोगे तो वो आपको कितना पसंद करेगा। जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसे एक सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग आती है, वो अपने आप को दूसरों से हटकर देखने लगता है और उसका सेल्फ इस्टीम यानी खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और वो दूसरों की नज़र में और भी अच्छा बनना चाहता है। फिर जब आप उससे अपना काम करने को बोलोगे तो वो अपनी सुपीरियॉरिटी को कम नहीं करना चाहेगा और वो आपका काम करने के लिए खुशी खुशी मान जाएगा। तो ये थी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो हमारे माइंड के उन ट्रिगर्स को एक्टिवेट कर देती हैं जो आपके डिसीजन लेते वक्त एक्टिव होते हैं। मैंने इनमें से कुछ ट्रिक्स को इस्तेमाल किया है और यकीन मानिए वो काम भी करते हैं। तो आप भी इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके किसी से भी वो काम करवा सकते हो जो आप उनसे करवाना चाहते हो। क्या आपने जाने अनजाने में इनमें से कोई ट्रिक यूज़ करी है, या फिर आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अनसुनी बातें चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अनसुनी बातें लेकर आता रहता हूँ। और इस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नई अनसुनी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।